सही देखा आपने थंबनेल में कि मोदी जी लाए हैं सिविल इंजीनियर्स के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका। हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी, जहां हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियर्स के बारे में। सही देखा आपने थंबनेल में कि मोदी जी लाए हैं सिविल इंजीनियर्स के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका, और वो मौका क्या है सिविल इंजीनियर्स के लिए, आज इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और वो मौका है लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स के बारे में। अब ये चीज क्या है और कैसे मोदी जी ने इसका अनाउंसमेंट किया, इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फ्राइडे जो कि 1 जनवरी जो हमारा न्यू ईयर आया, और उसके पहले ही दिन 1 तारीख को एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी दी मोदी जी ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे लेट द फाउंडेशन ऑफ 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स, 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स हमारे कंट्री के 6 अलग अलग स्टेट्स पर होने जा रहे हैं, जो कि अलग अलग स्टेट्स में आपको बता दूं, इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची, अगरतला और लखनऊ। ये हमारे 6 अलग अलग स्टेट्स हैं जहां पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने जा रहे हैं। जो किसके अंडर आते हैं, वो आते हैं ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के अंडर, दैट इज GHTC। इस इनिशिएटिव के साथ लेकर आए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ, जो कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पूरी की पूरी मीटिंग की, और ये 6 अलग अलग स्टेट्स पर इसका हाउसिंग प्रोजेक्ट चालू होने जा रहा है। और इसकी जो मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये लोअर ग्रेड से लेकर हायर ग्रेड तक हर तरह की टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। आगे इस वीडियो में हम उन टेक्नोलॉजी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स है, इनके क्या क्या फीचर्स है और ये किस तरह से बनने वाले, इनकी क्या बेनिफिट्स है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहला है, व्हाट इज LHP, लाइट हाउस प्रोजेक्ट क्या है? दैट इज बिल्ट विद शॉर्ट लिस्टेड अल्टरनेट टेक्नोलॉजी, कि जो अल्टरनेट यानी कि जो यूनिक डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है, उसकी हेल्प से पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स बनने जा रहे हैं। अब इसमें और खासियत क्या होने वाली, दैट इज सुटेबल टू द जियो क्लाइमेट, यानी कि जियो क्लाइमेटिक कंडीशन, उस लोकेलिटी, उस एरिया की जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं, उसके रिस्पेक्ट में उसको भी हेल्प करते हुए पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रहेगा। एज वेल एज नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, सुटेबल टू हैजार्डियस कंडीशन, जो भी हैजार्डियस कंडीशन होती हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन की, अगर हम बात करें वहां पर अर्थक्वेक का, अगर हम बात करें सुनामी का, या फिर विंड प्रेशर का, किसी भी तरह से जो भी हमारे हैजार्ड्स आते हैं उसको भी ये रजिस्ट कर सके, उस तरह के प्रोजेक्ट्स ये डेवलप कर रहे हैं। उसी के बाद डिलीवर रेडी टू लाइव हाउसेस, वो जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रहेगा एकदम वन टाइम रेडी रहेगा डिलीवरी के लिए, कि वो लाइव रेसिडेंट्स वहां पर रह सकते हैं प्रॉपरली जैसे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पीड कंस्ट्रक्शन, ये जो पूरा का पूरा टेक्निक रहेगा वो बहुत ही ज्यादा स्पीडी कंस्ट्रक्शन रहेगा। अगर वो स्पीडी रहेगा तो इंजीनियर्स आपका टाइम भी जरूर बचेगा प्रॉपरली, और उसी के साथ साथ इकोनॉमी भी, क्योंकि लाइट हाउस प्रोजेक्ट बोल रहे हैं, लाइट से हम यही समझते हैं कि जल्दी, अच्छा और इकोनॉमी में रहते हुए, तो ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स हैं, और बेटर क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्योंकि जब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, तो कोई ना कोई परिवार उस छत के नीचे रह रहा है जो हम सिविल इंजीनियर्स बनाते हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसकी क्वालिटी, उसकी एफिशिएंसी को मेंटेन करना, जिसके हेल्प से सारी चीजें एक प्रॉपर वे में चले। तो ये सारे के सारे चीजें जो की पॉइंट्स है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए, जो टेक्नोलॉजी के हेल्प से पॉसिबल है, ये पूरा का पूरा लाइट हाउसिंग प्रोजेक्ट उसी चीज पर डिपेंड है। अब हम बात करें कि इस प्रोजेक्ट में एक और स्पेशल चीज है कि ये कुछ क्लाइंट्स को, कुछ प्लानर्स को इनवाइट कर रहे हैं इस ट्रेनिंग के लिए प्रॉपरली, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं, दैट इज न्यू टेक्नोलॉजी फॉर कंस्ट्रक्शन एंड इनोवेटिंग। इसके साथ साथ इसके अंडर वो इन्वाइट कर रहे हैं प्लानर्स को, जो भी प्लानर्स हैं एंड डिजाइनर्स हैं, उसी के साथ साथ आर्किटेक्ट्स और स्टूडेंट को, जो ये पूरा का पूरा पूरे के पूरे स्टेट पर, 6 अलग अलग इंडिया के स्टेट्स पर होने वाला है कंस्ट्रक्शन का पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट बहुत ही जल्दी, तो उसके लिए वो इन्वाइट कर रहे हैं प्लानर्स, आर्किटेक्ट एंड स्टूडेंट्स को वहां पर ट्रेनिंग करने के लिए भी एज वेल एज। लेकिन वहां पर एक क्राइटेरिया समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बारे में डिटेल पर नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, आप पूरे के पूरे 16 पेजेस का इसका PDF उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डिटेल पर जानकारी मिलेगी आपको कि मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है वहां पर ट्रेनिंग करने के लिए, वो वहां पर मेंशन है, और वहां पर डिप्लोमा एज वेल एज BE वाले इंजीनियर्स जो पढ़ रहे हैं वो भी जा सकते हैं, और स्टूडेंट्स के लिए भी स्पेशल वहां पर
पूरे की पूरी फैसिलिटीज हैं कि वो भी वहां पर ट्रेनिंग कर सकते हैं जहां जहां पर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं कि पूरे प्रोजेक्ट में किन किन तरह की टेक्नोलॉजी यूज होने वाली है, वो भी डिटेल लिंक डिस्क्रिप्शन में, फिर भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहां पर हम बात करते हैं इसकी लोकेशन, सबसे पहला जो इंदौर मध्य प्रदेश में बन रहा है वो हो रहा है प्रीफैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम की हेल्प से, और वहां पर जो हाउसिंग के जितने भी कंस्ट्रक्शन होने वाले, दैट इज 1024 हाउसेस का डेवलपमेंट होने वाला है इंदौर में। नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ रहा है राजकोट गुजरात में, जो कि बन रहा है मोनोलिथिक कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की हेल्प से, वहां पर जो कंस्ट्रक्शन हाउसेज है दैट इज 1144 हाउसेज वहां पर कंस्ट्रक्ट होने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट प्रोजेक्ट की, दैट इज चेन्नई तमिलनाडु में आ रहा है प्रीकास्ट कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम, प्रीकास्ट कंपोनेंट्स असेंबल्ड एट साइट। ये प्रीकास्ट स्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी बेसिस पर ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन होने वाला है, और यहां पर होने वाले हैं 1152 हाउसेस के कंस्ट्रक्शन। फोर्थ की बात करें दैट इज रांची में होने वाला है झारखंड में, दैट इज प्रीकास्ट कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम 3D प्रीकास्ट वॉल्यूमेट्रिक। इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन होने वाला है, जिसमें कि 1008 हाउसेस का कंस्ट्रक्शन होने वाला है। सो इंजीनियर्स, ये सारी की सारी चीजें देखिए, अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, अलग अलग सिस्टम का यूज करते हुए क्वालिटी को भी मेंटेन कर रहे हैं, इकोनॉमी को भी मेंटेन कर रहा है, स्पीडी कंस्ट्रक्शन भी है, जियो क्लाइमेटिक कंडीशन को भी सूटेबल कर रहा है, सारी चीजें का इस्तेमाल करते हुए पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। सो इंजीनियर, सोचिए आप लोगों के लिए कितना अच्छा मौका है इन सारी चीजों पर जाके काम करने का, और ये जो अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए आ रही है। नेक्स्ट बात करें अगरतला त्रिपुरा में है लाइट गेज स्टील स्ट्रक्चरल सिस्टम एंड प्री इंजीनियर स्टील स्ट्रक्चरल सिस्टम पर ये पूरा का पूरा थीम बेस्ड है। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर 1000 हाउसेस बन रहे हैं, और नेक्स्ट हम बात करें लखनऊ उत्तर प्रदेश, यहां पर बन रहा है स्टेन प्लेस फॉर्मवर्क सिस्टम। क्लियर, तो यहां पर कितने हाउसेस हो रहे हैं, दैट इज 1040 यहां पर पूरे के पूरा हाउसेस का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। सो इंजीनियर्स, यहां पर आप देख सकते हैं अलग अलग टेक्नोलॉजी। अब हम बात करते हैं सिविल इंजीनियर की स्किल्स की। अभी तो हमने देख लिया कि प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए, तो बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस सारे के सारे काम को सीखने की। लेकिन अभी इस वक्त आपको एक क्वेश्चन पूछना होगा खुद से कि आप एज एन सिविल इंजीनियर किस स्टेज पर है, क्या स्किल सेट के साथ है, और क्या आप अपने करियर पर आगे करना चाहते हैं। अगर मैं आपसे कुछ स्किल्स और क्वालिटी सेट की बात करूं, तो अगर हम डेजिग्नेशन वाइज चले, दैट इज साइट इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, क्वांटिटी सर्वेयर, बिलिंग एंड प्लानिंग इंजीनियर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर, ये हमारे बेसिक से लेकर हायर लेवल तक के इंजीनियर्स के जॉब डेजिग्नेशन है, और इनको क्या क्या स्किल्स आनी चाहिए इसके बारे में पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए। सो अभी आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये सारी चीजें आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, और मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो नीचे से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो इंजीनियर्स, यहां पर अगर हम बात करें साइट इंजीनियर के लिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्किल्स कौन सी चाहिए यार। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस उसे प्रॉपरली पता होना चाहिए, ड्रॉइंग रीडिंग अच्छे से आनी चाहिए, वर्क चेकलिस्ट की जो भी हम काम कराते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, उसका चेकलिस्ट उसे आना चाहिए कि कौन सी चीज चेक कर रहे हैं, हाँ यार ये सही है ये गलत है, उसको ठीक करवाना। कंप्लीट एस्टिमेशन, उसको पूरे के पूरे पूरे प्रोजेक्ट का एस्टिमेट निकालने आना चाहिए, क्या एस्टिमेट का एक प्रोसेस पता होना चाहिए, वो चीजें सीखना। मोड ऑफ मेजरमेंट, कि किसी भी चीज को किस मोड में मेजर किया जाता है। अगर हम बात करें हमारे तीन डायमेंशन होते हैं लेंथ, विड्थ और हाइट, तो ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट है जिसको लेंथ विड्थ में करना है, जिसको केवल रनिंग लेंथ में करना है, या फिर किसी को लेंथ विड्थ हाइट तीनों में करना है, यानी कि रनिंग मीटर हो गया हमारा, मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब, कौन कौन से अलग तरीके से कैलकुलेट करना है। बीओक्यू है स्टैंडर्ड, यानी कि बिल ऑफ क्वांटिटीज जो टेंडर के लिए काम आती है, वो कैसे हमको सीखना है समझ रहा है। बार बेंडिंग शेड्यूल, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में जो स्टील लगना है, जो लोहे का इस्तेमाल होना है, वो किस तरह से कैलकुलेट होगा उसको निकालना। क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, यानी कि पूरे प्रोजेक्ट में जो मटेरियल्स लग रहे हैं, सीमेंट कितना लगना है, सैंड कितना लगना है, एग्रीगेट कितने लगने हैं, जो भी हमारे ब्रिक कितने लगने, सारी की सारी चीजें उसका क्वांटिटी कैलकुलेट करना, हर एक पार्ट साइट क्लीनिंग से लेकर अगर हम बात करें की हैंड ओवर तक, तो जितने भी अलग अलग तरह के मटेरियल्स लगते हैं प्रोजेक्ट में उसको कैलकुलेट करना, उसी के साथ साथ उसका रेट के साथ उसका रेट एनालिसिस करना, लेबर मशीनरी सारे के सारे रिसोर्सेज अगर हम बात कर लें, तो क्वांटिटी सर्वे रेट एनालिसिस के अंडर आ जाता है आपका। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बिलिंग, अगर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है तो गवर्नमेंट टाइप ऑफ बिलिंग, प्राइवेट प्रोजेक्ट है तो प्राइवेट का बिलिंग, वो सारी की सारी चीजें आप कैसे सीखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीपीआर,
डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, जैसे हम बोलते हैं ना डेली डायरी लिखना एक हॉबी है, वैसे ही कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा मस्ट है, क्योंकि आपको एक एक दिन को आपके प्रोजेक्ट को ट्रैक करना है। लेकिन डीपीआर ऐसा रैंडम या नॉर्मल नहीं कि जो काम हुआ लिख दिए, आपको एक एक दिन का प्रॉफिट लॉस अकाउंट अगर आप अपनी कंपनी को बनाकर देंगे तो आपका करियर बहुत ही ज्यादा आगे जाने वाला इंजीनियर्स। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग, कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे लेना है अगर आप एक स्टार्टअप है, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है, तो कॉन्ट्रैक्ट या फिर टेंडर कैसे उठाते हैं, अगर आपको टेंडर देना है तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर बनाते हैं, सारी की सारी चीजें डिटेल पर आपको समझना और सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहां पर अगर हम बात करें कि क्या क्या स्किल सेट की, अगर आप साइट इंजीनियर तो आपको कौन कौन सी स्किल सेट की जरूरत है, यहां पर टिक है। अगर आप सीनियर इंजीनियर हैं तो आपको कौन कौन सी स्किल्स आनी चाहिए, क्वांटिटी सर्वेयर है तो क्या स्किल्स आनी चाहिए, बिलिंग एंड प्लानिंग में अगर आप हैं तो कौन सी स्किल्स आनी चाहिए, और प्रोजेक्ट मैनेजर देख रहे हैं तो कौन कौन सी स्किल्स आनी चाहिए। इस सारी की सारी चीजें नीचे डिस्क्रिप्शन पर पीडीएफ का लिंक है, वहां पर मेंशन, आप बिल्कुल जाकर इस सारी की सारी चीजें देख सकते हैं, सीख सकते हैं। आप अभी खुद से क्वेश्चन करिए और मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप अभी कौन से जॉब पोस्ट में है, क्या आप अभी फ्रेशर हैं, जॉब की तलाश में है, या फिर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस है, और अगर जॉब कर रहे हैं तो कौन सी पोस्ट पर है और कौन कौन सी चीजें आपको आती हैं, और ये भी कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कौन कौन सी चीजें आपको सीखना जरूरी है। इंजीनियर्स अगर हम बात करें सीखने की, तो बिना सीखे बिना स्किल्स लिए हम आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकते। अगर आपको सीखना है, अगर आप चाहते हैं सीखना, तो जरूर सीखिएगा। इंडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से सीखे, कहीं पर भी जाकर सीखे, या किसी फ्रेंड के हेल्प से सीखे, किसी सीनियर के हेल्प से सीखे, साइट पर जाकर खुद को रगड़ के सीखे, या फिर किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सीखे। सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। मैं भी आपके तरह सीखते हुए आज इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचा हूं। और इंजीनियर्स, अगर आप सारी की सारी चीजें, जो भी चीजें अभी मैंने आपको बताई, सारी की सारी चीजें सिविल गुरुजी के साथ सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है जो कि न्यू ईयर पर सिविल गुरुजी आपके लिए लाया है, कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस का लाइफ टाइम वैलिडेशन। जितनी भी सारी चीजें हमने देखी है यहां पर, उसका लाइफ टाइम वैलिडेशन आपके लिए लाया है न्यू ईयर लाइफ टाइम ऑफर पर, जिसका पूरा का पूरा कॉस्ट था 60,000 रुपीज, लेकिन उसको पूरा घटा दिया गया एकदम मिनिमम अमाउंट पे। आप नीचे बोर्ड लाइन पर नंबर देख रहे हैं 9111001234 पर तुरंत कॉल करिए, क्योंकि लिमिटेड इंजीनियर और लिमिटेड टाइम के लिए ही ये लाइफ टाइम के लिए इंजीनियर से पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस आपको मिलता है। नीचे कॉल जरूर करिए 9111001234 पर, कॉल करके पूछिए कि कितना डिस्काउंटेड एकदम मिनिमम, ऐसा ऑफर आज तक कभी भी सिविल गुरुजी नहीं लेकर आया है अपने इंजीनियर्स के लिए। इस प्लेटफॉर्म पर कॉल करके जरूर पूछिए। इसी के साथ साथ आपको 400 प्लस प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं पूरे के पूरे कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस पर, जहां पर आप डिटेल पर सारी की सारी चीजें सीखते हैं। उसी के साथ साथ आप डाउट भी आते हैं ना चीजों को सीखते हुए, तो उसके लिए डेली लाइव डाउट सेशन इंजीनियर्स आपके लिए रखा जाता है प्रोफेशनल ट्रेनर्स के द्वारा, जिसमें आप डायरेक्टली डिस्कशन सेक्शन के थ्रू अपने डाउट्स पूछते हैं और ट्रेनर लाइव डाउट सेशन में उस डाउट्स को क्लियर करते हैं। सो इंजीनियर्स, देरी मत करिए, बोर्ड लाइन नंबर पर कॉल करिए 9111001234, अपनी क्वेरीज क्लियर आउट करिए, मैम से पूछिए, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पर दे देता हूं, आप डायरेक्टली जाकर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जो मैंने क्वेश्चंस आपसे किए कि आप फ्रेशर हैं या कौन से जॉब पोस्ट में, या फिर कितने साल का एक्सपीरियंस है, उसको जरूर कमेंट करके बताइए। और कोई भी डाउट्स और कोई भी क्वेरीज मुझसे पूछना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो कमेंट पर जरूर पूछिएगा। सो इंजीनियर्स, इतनी सारी चीजें और इतना अच्छा न्यू ईयर ऑफर जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस, जो कि 60,000 का कोर्स था, भारी भरकम कोर्स, वो लिमिटेड ऑफर्स पर, लिमिटेड वैल्यूज पर इंजीनियर्स आपको मिल रहा है, तो बिल्कुल मिस आउट मत करिएगा ये चांस, क्योंकि अगर आपको करना है खास तो चले हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और इसी जुनून के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्रेजेंटिंग सिविल गुरुजी ऐप, अवेलेबल इन गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड नाउ।